Hello students, welcome to CR International School online classes. Students, today we are here on our chapter 2. English grammar mein hum chapter 2 par hai. Aur the name of chapter 2 is Noun and Its Kinds. Dekho beta, aapne pehle bhi ye chapter kiya hai Noun and Its Kinds. Usme aapne starting mein beta sirf do part kiye the, proper noun aur common noun. Theek hai? लिसन में केयरफुली एक चीज ये याद रखना है, एक बात का ये ध्यान रखना है आपको कि जो दो पार्ट्स आप कर चुके हैं ऑलरेडी नोटबुक में आपको उन्हें दोबारा से रिपीट नहीं करना है। आप कैसे करेंगे नोटबुक में, फिर दोबारा से टॉपिक डालेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स और थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, फिर दोबारा से बता रही हूँ, आपने अगर दो पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं अपनी नोटबुक में तो उन्हें दोबारा से रिपीट नहीं करना है, थर्ड पार्ट से करना है क्योंकि आपके सिलेबस में टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं नाउन के, ठीक है? और जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किया है वो 5 पार्ट अपने नोटबुक में करे। ओके बेटा, समझ में आ गया? मैं यहाँ आपको फिर दोबारा से ये 3 पार्ट दिए, दोनों पार्ट मैंने फिर दोबारा से क्यों लिए हैं, ताकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये प्रॉपर कॉमन क्या था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की कि नाउन क्या है। कल परसों की वीडियो में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उसमें फर्स्ट पार्ट था नाउन। नाउन क्या बताया था मैंने, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, ठीक है, किसी का भी नाम हो एक्स वाई जेड। अब यहाँ हम नाउन में क्या पढ़ते हैं, नाउन के जो पार्ट है उसमें क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि किस किस नाम को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, नाम तो बहुत सारे हैं, अब जैसे राकेश है, बॉय है, गर्ल है, अब ये सारे नाम अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम सब जगह यूं बोल देते कि नाउन है, नाउन है, नाउन है, ठीक है, बट हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये इतना प्रॉपर नाउन में आएगा, इतना कॉमन नाउन में आएगा, इतना कलेक्टिव नाउन में आएगा, इस तरह। ठीक है बेटा, अपने नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स कितने होते हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स थे, 8 पार्ट, कितने थे, 8। नाउन के कितने हैं, 5 है, जिसमें से आज हम डिस्क्राइब करेंगे 3 पार्ट्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका परफेक्ट नाम दिया, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। जैसे कि मैंने लिखा रहा था, ये किसी लड़की का नाम है, ठीक है, परफेक्ट नाम है ना। मान लो बहुत सारी लड़कियां बैठी है, मैंने कहा राधा स्टैंड अप, तो उनमें क्या सारी लड़कियां खड़ी हो जाएगी, नहीं, खाली राधा ही खड़ी होगी। तो ये पर्टिकुलर है, यानी कि जिससे बोला जाए, जिसका स्पेशली नेम लिया जाए वो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है बेटा, और जैसे कि मान लो एनिमल्स वगैरह है, टाइगर है, ये सभी प्रॉपर नाउन में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि अलग अलग वैरायटी होती है इनकी, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग जाति के होते हैं। ठीक है, आप मान लो बॉय है, मान लो मैंने बोल दिया कि गर्ल स्टैंड अप, मैंने बोला गर्ल स्टैंड अप, तो उसमें सारी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने किसी का पर्टिकुलर नेम ही नहीं लिया, किसी का पर्टिकुलर मैंने नाम ही नहीं बोला, तो उनमें वो सारी लड़कियां खड़ी हो जाएगी। और मैंने जब उनमें से बोला राधा स्टैंड अप, तो उसमें से सिर्फ एक लड़की खड़ी, यानी कि जो सिर्फ एक चीज होती है वो प्रॉपर नाउन होती है। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल है कि है ना पूरे वर्ल्ड में, तो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, यानी कि ग्रुप, जैसे कि बड़ा बड़ा भीड़ होती है। मैंने बोला बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बिल्डिंग्स, इमारतें बहुत सुंदर, तो उसमें सारी इमारतें आ गई, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो कैसी भी। ठीक है बेटा, कॉमन का मतलब होता है सामान्य, सामान्य यानी कि जिसमें सभी, जैसे कि टॉयज बोल दिया मैंने, टॉयज जब बोला टॉयज में सभी खिलौने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसमें होता है ग्रुप। यस बेटा, ग्रुप मान लिया आपने, नेक्स्ट थर्ड बहुत सारे लोग जमा, कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी कि जैसे कि
होते नहीं, जो ग्रुप होता है ना मधुमक्खियों का जो ग्रुप है हम उसको स्वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्म। ठीक है, नया वर्ड है, नया वर्ड आपने सुना है, बट कलेक्टिव नाउन में ऐसा ही होता है बेटा, एक ग्रुप बना हुआ होता है चीजों का, एनिमल्स का, किसी का भी लगा लो, पर्संस का। अब जैसे हम टीम बोलते हैं, टीम तो आपने सुना होगा, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, उस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, एक अकेला तो होता नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो हम उसको टीम बोलते हैं। और टीम कौन से नाउन में आता है? कलेक्टिव। फिर मैंने बोला मान लो जैसे बहुत सारी मछलियां हैं कहीं तालाब में, एक जगह ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने, तो मैं उसको बोलूंगी स्कूल ऑफ फिश। देखो एक तो होता है एक्वेरियम, उसमें भी बहुत सारी मछलियां होती है, पर जहां झुंड बना हुआ होता है, आपने शाम को पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा ग्रुप में, वैसे तो पक्षी बहुत सारे होते हैं, बट जहां ग्रुप बना हुआ होता है वो इसका स्पेशल। समझ में आया बेटा? जहां ग्रुप होता है, अब जैसे कि हर्ड, द हर्ड ऑफ काउस, यानी कि गायों का झुंड, जहां पर बहुत सारी गायें इकट्ठा होती है, तो हम उसको इस वर्ड से संबोधित करते हैं। ठीक है बेटा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, यानी कि उसमें कोई अलग चीज नहीं होनी चाहिए। मान लो एक झुंड है, उसमें गाय, भेड़, बकरी वगैरह सब कुछ है, नहीं आप उसको नहीं बोल सकते कि वो कलेक्टिव नाउन नहीं। ठीक है, वो क्या होता है? सिमिलर चीजों का, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही तरीके की चीजें हो, जैसे कि आर्मी, आर्मी में सभी सोल्जर्स ही होते हैं। आर्मी में कोई कुक होता है क्या? कुक को शामिल करते हैं, शेफ को शामिल करते हैं, नहीं होते ना। आर्मी में क्या होते हैं? सभी सोल्जर्स होते हैं उसमें, वो फिर चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी को सोल्जर्स बोलते हैं कि ये सभी क्या है? सोल्जर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? प्रॉपर नाउन जो परफेक्ट नाम होता है किसी का, कॉमन नाउन जिसमें सभी चीजें आ चुकी है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, किसी भी जाति को हो। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में आपका ग्रुप होता है। ठीक है बेटा, ये तीनों पार्ट्स आपको रिमाइंड करने हैं। अगर आप लोगों ने ये दोनों पार्ट भी नहीं किए हैं तो आपको अपना चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, और अगर आपने कर रखा है तो आपको अपना चैप्टर थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स।